कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया में होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल दीप टेक्नो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम फेसबुक पेज को हमारी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें एक वेबसाइट के लिंक की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर देना है। मैं अभी के लिए क्रोम ब्राउजर ओपन कर देता हूँ और आपको नई टैग में जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको आपके फेसबुक अकाउंट में लॉग इन हो जाना है। मैं यहाँ से ये लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा कि मेरा सामने एक इंटरफेस ओपन हो चुका है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा फेसबुक का URL डिस्प्ले करता है और नीचे की साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स दिए हुए हैं उस पर टिक करना है और यहाँ पे हमें विड्थ और हाइट दिए हुए हैं, यानी कि कितनी हाइट और कितनी वेट में फेसबुक पेज को हमें प्रॉपर वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है, ये यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ 400 और 500 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा कि जो भी हमने सिलेक्शन किया है उसका डिस्प्ले हमें नीचे की साइड पे देखने को मिलेगा। इस तरह से ये डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ उसकी साइज चेंज करूँगा तो इसकी साइज यहाँ चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ इसकी साइज 100 कर देता हूँ तो इसकी साइज 100 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप आपके फेसबुक पेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है और गेट कोड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिएगा कि हमें दो कोड मिले हैं। इस ये दोनों कोड को हमें हमारी वेबसाइट में पेस्ट करना है। वो किस तरह से करना है चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए हमें ये कोड को कॉपी करना है, एक नंबर का कोड कॉपी कर लेता हूँ। फिर हमें हमारी वेबसाइट पर जाना है उसके बाद में हमें उसके थीम सेक्शन में जाना है। उसके बाद में हमें उसकी HTML सेक्शन में जाना है, एडिट HTML सेक्शन में। और यहाँ पे हमें सर्च करना है क्लोज बॉडी यानी कि स्लेस बॉडी। तो इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस F प्रेस करना है और स्लेस BODY स्कोर को टाइप करना है और इसके बाद में एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ हमारा बॉडी सेक्शन आ गया है प्लस बॉडी का। तो इसके ठीक आगे हमें ये कोड को पेस्ट करना है और उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। और दोस्तों ये देखिएगा कि यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमें कोड नंबर 2 को हमारी वेबसाइट को पेस्ट करना है। तो फिर से हम फेसबुक प्लगइन में जाएंगे, कोड नंबर 2 को हम कॉपी करेंगे और फिर से हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। वहां पे हमें लेआउट सेक्शन में जाना है। देन यहाँ जो भी प्लेस पे हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे इस पोर्शन पे फेसबुक पेज दिखे, उस पोर्शन पे हमें इस कोड को पेस्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि नए प्लेस में फेसबुक पेज दिखे, तो इसके लिए हमें ऐड गैजेट पे क्लिक करना है। यहाँ HTML में जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है और देन यहाँ पे कंटेंट पे हमें ये कोड पेस्ट कर देना है और टाइटल में हमें फेसबुक का नाम दे देना है, यानी कि जो भी फेसबुक पेज हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका नाम देना है।
और उसके बाद में सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे के साइड पर मैं सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने ऑलरेडी फेसबुक पेज को हमारी वेबसाइट में इंसर्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट में किस तरह से शो करता है फेसबुक पेज। तो इसके लिए हमें व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे फेसबुक पेज ऐड हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप आपकी वेबसाइट में फेसबुक पेज को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपके जो भी पोस्ट यहाँ पे की होगी वो यहाँ शो करेंगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी पोस्ट आपके फेसबुक पेज में आपने की होगी या किसी भी बंदे ने आपकी फेसबुक पेज में पोस्ट की होगी वो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आपकी वेबसाइट में फेसबुक पेज को अटैच कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।